स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हाउस प्लान के बारे में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया। मैं आपको इस पूरे एरिया में जो क्या क्या कितना बेडरूम है, कितना टॉयलेट है, बाथरूम है, क्या एरिया है, मैं आपको सारे कुछ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से रूबरू कराता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए इसका आउटर साइड का देख सकते हैं, आउट साइड का 34 फीट 4 इंचेस बाय 37 फीट 1 इंचेस का ये बना हुआ है। ठीक है, जो कि जिसका सेंटर टू सेंटर आ जाता है, यानी कॉलम के सेंटर से आ जाता है 33 फीट 6 इंचेस बाय 36 फीट 3 इंचेस का। ठीक, चलिए ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले स्टेप से हम लोग ऊपर बरामदा पे चलेंगे। बरामदा का साइज हम लोग को मिल जाता है 10 फीट x 10 फीट बाय 6 फीट 7 इंचेस का। यहाँ पे बरामदा है, देख सकते हैं सामने में ग्रिल लगा हुआ है, इस साइड इसमें विंडो दिया हुआ है जो कि लिविंग ड्रॉइंग हॉल में रोशनी के लिए प्रोवाइड किया गया है। गेट है, गेट से अंदर की तरफ चलेंगे तो हम लोग को लिविंग का एरिया मिलता है। और एक साइड आएंगे, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हम लोग को मिल जाएगा एक बेडरूम। बेडरूम में देख सकते हैं कबर्ड भी दिया गया, बहुत अच्छा प्लानिंग किया गया। ठीक है, बेडरूम का साइज आपको मिल जाता है 10 फीट 1 इंचेस बाय 12 फीट 10 इंचेस का। ठीक है, बेडरूम से हम लोग अंदर की तरफ फिर चलते हैं और राइट साइड में देखेंगे एक और बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम का साइज मिल जाता है 11 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट 2 इंचेस का। इसमें भी देख सकते हैं विंडो, ये W जो आप देख रहे हैं, ये जो W का साइज हो जाता है 5 फीट बाय 4.5 फीट का ये विंडो है। ठीक है, चलिए बेडरूम से हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर लिविंग की तरफ चलते हैं। ये लिविंग का एरिया देख रहे हैं 10 फीट बाय 28 फीट 5 इंचेस, 28 फीट 5 इंचेस आपको ये पूरा है। ठीक है, ये वाला एरिया आपको 10 फीट 10 फीट ये हो गया। ठीक है, और 28 फीट 5 इंचेस यहाँ है। ठीक, चलिए ये हो गया लिविंग एरिया के बारे में। अब चलते हैं तीसरे बेडरूम में। तीसरा बेडरूम का साइज भी आपको मिल जाता है 10 फीट 1 इंचेस बाय 13 फीट 9 इंचेस का। ठीक है, बेड वगैरह का भी साइज यहाँ पे दे दिया गया, कबोर्ड दोनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया तीसरा बेडरूम। अब तीसरे बेडरूम से निकलने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हैं आप किचन दिया गया। ठीक है, किचन है और डाइनिंग का स्पेस यहीं पे रखा गया है। किचन का साइज आपको मिल जाता है 10 फीट 1 इंचेस बाय 8 फीट का। ये देखिए साइज पहले 20 फीट 6 इंचेस लिया गया था, यानी यहाँ से यहाँ तक का साइज दिया गया था कि लोगों को पता चले कि ये एरिया कितना है, क्योंकि ये ओपन किचन है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कुकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कुकिंग प्लेटफॉर्म का 2 फीट वाइड है, ये चौड़ा है। ठीक है, 2 फीट निकला हुआ और फ्लोर से 33 इंची के हाइट पे रहेगा। तो चलिए ये एरिया वाला जो ये एरिया देख रहे हैं आप, वो 10 फीट 1 इंचेस बाय 8 फीट का है। और पूरा अगर देखा जाए ये डाइनिंग और किचन दोनों को मिला करके तब 20 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट का हो जाता है। ये एरिया है जो कि आराम से यहाँ पे खाना वगैरह भी बन जाएगा और यहाँ पे लोग खा भी सकते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे देखते हैं 6 सीट का यहाँ पे रखा हुआ है, डाइनिंग से डाइनिंग पूरा लगा दिया गया है। चलिए अब इसके राइट साइड में हम लोग चलेंगे, फिर एक बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज हम लोग को मिल जाता है 11 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट 4 इंचेस का। इस रूम के साथ एक टॉयलेट आपको देख सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया गया है जिसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। साइड में आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पूरा दिया गया। इस बेडरूम के साथ यहाँ पे गेट दे दिया गया जिसका साइज आपको टॉयलेट का मिल जाता है 5 फीट 7 इंचेस बाय 3 फीट 4 इंचेस का। इस बेडरूम के साथ भी आपको एक टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है जिसका साइज मिल जाता है 5 फीट 7 इंचेस बाय 3 फीट 4 इंचेस का। अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप ये बेडरूम यूज कर सकते हैं गेस्ट रूम के तौर पे, गेस्ट रूम ड्राइंग रूम के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका साइज भी अच्छा खासा दिया हुआ है 11 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट 2 इंचेस का। इसमें W भी लगा हुआ है, विंडो भी लगा हुआ है, ये डोर हो गया, डोर है, डी साइज लिखा हुआ है। इसका साइज है आपको 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट का। ठीक है, जो कॉमन टॉयलेट दिया गया है, देखिए इसमें एक चीज का गौर दिया, अच्छे से ख्याल रखा गया है कि अगर आप इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों लगाना चाहेंगे तो दोनों लग जाएगा। वेस्टर्न आप देख सकते हैं जिसमें इमेज यहाँ पे लगा हुआ बना हुआ, वेस्टर्न और इंडियन आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी 6 फीट 2 इंच काफी होता है। 2.5 बाय 2.5 आप एक इंडियन के लिए सफिशियंट होता है और 2.5 बाय 3 आपको वेस्टर्न के लिए सफिशियंट होता है। तो 6 फीट 2 इंचेस बाय 7 फीट 1 इंचेस का ये है, आप इसमें इंडियन इस जगह पे लगा सकते हैं और वेस्टर्न कमोड यहाँ बैठ गया। ठीक है, अगर आपको वॉशिंग मशीन रखना है तो आप इस एरिया में भी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ठीक है, और चलिए फिर हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ये एरिया, चलिए मैंने आपको इस एरिया के बारे में बता दिया, अब चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, सीढ़ी से जैसे ही हम लोग आते हैं, ठीक है, सीढ़ी से अगर आप छत पे आइएगा तो आपको ड्राइंग हॉल मिलेगा। ड्राइंग हॉल का साइज आप देख सकते हैं 10 फीट बाय 12 फीट 10 इंचेस का, जो कि बहुत ही अच्छा है। रेक्टेंगल शेप में है जो कि वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और इसमें भी वेंटिलेशन का प्रोवाइड किया गया, खिड़की वगैरह, डोर है, डोर भी लगा हुआ है जो कि एक छोटा सा बालकनी। कभी कभी देखिए आप इसमें बालकनी ये भी पूरा एरिया ले सकते हैं। ठीक है, इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को डिजाइन बनाना पड़ता है, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट इसमें
में था कि नहीं हमको सिर्फ ड्राइंग के ऊपर ही, ड्राइंग के सामने में ही हमको सिर्फ बालकनी चाहिए, वो भी सिंपल चाहिए। सिंपल ये राय फिट का उठेगा, उसके बाद रेक्टेंगल का आप देखे होंगे बॉक्स वाला अभी रेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो बॉक्स वाला रेलिंग इसके ऊपर में प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। चलिए ड्राइंग हॉल के बाद हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ड्राइंग हॉल का एरिया हम बता दिए आपको। ड्राइंग हॉल के बाद हम लोग एक लिविंग एरिया बहुत बड़ा ऐसा साइज मिल जाता है जिसका साइज आपको 20 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट 5 इंचेस का। देखते हैं यहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है, अगर डाइनिंग का भी स्पेस यहाँ पे यूज करने के लिए डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है। अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है 20 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट 5 इंचेस। इसके लेफ्ट से आपको एक डोर दिया गया है और इस रूम में आने के लिए जिसका साइज आपको मिल जाता है 10 फीट 1 इंचेस बाय 12 फीट 10 इंचेस का, ठीक है। एक ये रूम हो गया। चलिए अब इससे अंदर की तरफ चलते हैं, डाइनिंग, और डाइनिंग से एक और ये बेडरूम दिया गया। बेडरूम का साइज 11 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट 5 इंचेस का। इसके साथ भी एक टॉयलेट अटैच है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर जो साइज मिल जाता है वही इसमें भी मिल जाता है। बाहर की तरफ आएंगे फिर एक बेडरूम ये मिल जाएगा 11 फीट 1 इंचेस बाय 10 फीट 4 इंचेस का। यहां से देखिए आप एक बालकनी का कॉर्नर काटा गया, ठीक है। इस रूम में इस साइड से खिड़की खुल जा रहा है, इस साइड से बीच से आप डोर दिया गया बालकनी में जाने के लिए, ठीक है। तो इस रूम के साथ टॉयलेट भी अटैच है, इस रूम के साथ एक टॉयलेट अटैच है और ये कॉमन रूम हो गया समझिए, ठीक है। अब ये एक छोटा सा स्टोर टाइप का सिट आउट एरिया बनाया गया है, ठीक है। इस साइड से भी आप एक बालकनी का रास्ता दे सकते हैं जो कि आप बालकनी में जा सकते हैं। अब देखिए सिट आउट का जो एरिया रखा गया समझिए ये स्टोर है, 7 फीट 8 इंचेस बाय 6 फीट 8 इंचेस का ये आपको स्टोर मिल जाता है। किचन का साइज यहाँ पे मिल जाता है 10 फीट 1 इंचेस बाय 10 फीट 4 इंचेस का। प्लेटफॉर्म भी एल शेप में प्लेटफॉर्म रखा गया, दोनों साइड क्रॉस वेंटिलेशन, विंडो का ध्यान रखा गया, ख्याल रखा गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसका बालकनी सिर्फ यही इस पोजीशन में रखा गया, ठीक है। देख सकते हैं जो डायरेक्ट इस साइड वाला भी अगर आदमी यहाँ पे एक डोर लगा दिया जाए इस बालकनी में भी जा सकते हैं, रूम के साथ भी है और एक ड्राइंग हॉल के साथ एक दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जिसका मैंने आपको दोनों के बारे में अच्छे से बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो जरूरतमंद है उन तक ये वीडियो तक पहुंच पाए जो घर बना रहे। क्या होता है कभी कभी गांव वगैरह में घर लोग बनाते हैं, इंजीनियर से संपर्क नहीं कर पाते, तो नेट का जमाना है, आजकल कोई भी नेट पे देख करके ड्राइंग बना देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अब तब भी कहना है कि वो एक अच्छे इंजीनियर से सलाह लेकर के उसका एक स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवाए, अच्छे से नक्शा बनवाए पहले, तभी घर बनवाए, ठीक है। तब उससे क्या होता है कि आपका जो जमीन होता है ना उस पर कहां से क्या यूटिलाइज करना है, एक एक इंच का, वो सब यूटिलाइज अच्छे से एक इंजीनियर कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज इंजीनियर से सलाह लीजिए फिर घर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।